दोस्तों आज हम लोग जिस स्टॉक की बात करने वाले हैं उसका नाम है मास्टेक। ये कंपनी आईटी सेक्टर में काम करती है और बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। इसका जो आप चार्ट देख पा रहे हैं ये अपने लाइफ टाइम हाई के पास ट्रेड करने लगा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें काफी अच्छी रैली आई थी, उसके बाद इसमें काफी दिनों तक कंसोलिडेशन रहा, उसके बाद गिरावट भी हुई, लेकिन अभी ये वापस से अपने लाइफ टाइम हाई के करीब पहुंच रहा है। तो दोस्तों हम इसके चार्ट की एनालिसिस आगे कर लेंगे, पहले चल के इसकी फंडामेंटल एनालिसिस देख लेते हैं। तो जैसा कि आपको पता है दोस्तों कंपनी का नाम है मास्टेक लिमिटेड। आज मार्केट में इसका भाव 3092 रुपए ट्रेड कर रहा था और इंट्राडे में आज लगभग 8% तक तेज था। इसकी जो मार्केट कैप वैल्यू है वो 9484 करोड़ है। इसका जो स्टॉक पीई है वो 33 का है, जो कि आईटी सेक्टर में अगर इतना कम पीई है तो फिर काफी अच्छा वैल्यूएशन है। अभी आरओसीई इसका कमाल का है 23.4%, आरओई भी बहुत ही बेहतरीन है 19.9%। पिछले एक साल के अगर हाई लो की बात करें तो 1475 रुपए इसका लो था और 3147 रुपए का इसने हाई लगाया था, तो यानी कि ये अपने हाई के करीब ट्रेड कर रहा है। बाकी अगर इसकी कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट 1982 में हुआ था और ये आईटी सेक्टर में टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। इसका आप चार्ट जैसा कि देख पा रहे हैं दोस्तों काफी सालों तक ये एक रेंज में ही ट्रेड करता रहा, लेकिन कोविड के बाद से जब इसमें ब्रेकआउट आना शुरू हुआ तो इसमें बम्पर रैली देखी गई, लेकिन फिर जल्दी इसमें गिरावट ही देखी गई। पर इन सब के बावजूद ये कंपनी अब काफी अच्छे रेट पर ट्रेड कर रहा है, ये अपने लाइफ टाइम हाई के करीब पहुंचने वाला है। इसके प्रोज एंड कॉन्स की बात करें दोस्तों तो इस कंपनी ने जो सीएजीआर दिया है पिछले 5 सालों में वो 32.4% से भी ज्यादा का है, और उससे भी अच्छी बात यह है कि कंपनी अपने इन्वेस्टरों को काफी अच्छा डिविडेंड भी देते आ रही है। इसके कॉन्स की बात करें तो प्रमोटर्स ने पिछले 3 सालों में अपनी थोड़ी सी हिस्सेदारी कम करी है। इसके पीयर ग्रुप्स की बात करें दोस्तों तो जैसा कि आपको पता है कंपनी आईटी सेक्टर में काम करती है, जिसमें ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज हुआ, परसिस्टेंट सिस्टम, टाटा एलेक्साई, केपीआईटी टेक, टाटा टेक्नोलॉजी, पीवी फिनटेक, कोफोर्ज जैसी काफी बेहतरीन कंपनियां इसी सेक्टर में काम करती हैं। और अगर इंडिया को अगर ग्रो करना है तो फिर आईटी सेक्टर को ग्रो करना ही पड़ेगा, तो उस लिहाज से आपको आईटी सेक्टर पर भी काफी अच्छा फोकस बना के चलना चाहिए। मास्टेक के अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें दोस्तों तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो दिसंबर 2020 में 443 करोड़ का था, दिसंबर 2021 में 552 करोड़ हुआ, दिसंबर 2022 में 659 करोड़ और दिसंबर 2023 में 784 करोड़ का, यानी कि सेल्स इसका लगातार बढ़ता गया है। वहीं अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां 70 करोड़ का प्रॉफिट था दिसंबर 2020 में, दिसंबर 2021 में 83 करोड़ हुआ, दिसंबर 2022 में 67 करोड़ और दिसंबर 2023 में 78 करोड़ का प्रॉफिट रहा। पिछले 10 साल के अगर प्रॉफिट लॉस की बात करें दोस्तों तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो 734 करोड़ रहा जून 2012 में, मार्च 2015 में 1013 करोड़ हुआ, मार्च 2018 में 817 करोड़, मार्च 2021 में 1722 करोड़ और अगर करंट में बात करें तो कुल 2984 करोड़ का इसका सेल्स है। तो अगर सेल्स के निगाह से देखें तो काफी ज्यादा इसमें ग्रोथ आई है। वहीं अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो मार्च 2013 में जहां 34 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च 2015 में 18 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, 2018 में 70 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, तो मार्च 2021 में 252 करोड़ और अगर करंट में बात करें तो 289 करोड़ का कुल प्रॉफिट हुआ। मास्टेक के अगर सीएजीआर की बात करें दोस्तों पिछले 10 सालों में इसने 31% का, तो पिछले 5 सालों में 53% का सीएजीआर दिया है और पिछले 3 सालों में 36% से, तो पिछले 1 साल में कुल 90% का सीएजीआर दिया है, यानी कि इस स्टॉक ने इंडेक्स को बहुत ही अच्छे आंकड़ों से डिफीट किया है। ये स्टॉक इंडेक्स के मामले में ओवर परफॉर्मर रहा पिछले 10 सालों में। बाकी अगर इसके बोरोइंग्स की बात करें तो जून 2012 में 7 करोड़ का उधार था, मार्च 2015 में 29 करोड़ का, मार्च 2018 में 70 करोड़ का, मार्च 2021 तक 273 करोड़, तो सितंबर 2023 तक 510 करोड़ का इस कंपनी के ऊपर उधार भी है। और वहीं अगर इसके टोटल असेट्स की बात करें तो जून 2012 में 757 करोड़ का असेट था, मार्च 2015 में 832 करोड़ का, मार्च 2018 में 821 करोड़, मार्च 2021 में 2277 करोड़ और सितंबर 2023 में 3586 करोड़ का असेट। अगर इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें दोस्तों तो इसमें जो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी है वो मार्च 2021 में 44% पर थी, जो दिसंबर 2023 में 36% पर रह गई है। FIIs की बात करें तो जहां 6% पर थे 6.5% पर, उन्होंने अपना माल बढ़ाकर 14.5% तक किया है। DIIs जहां 11.98% पर थे उन्होंने भी अपना माल गिराकर 6.41% किया है, और जो पब्लिक है पब्लिक 37% पर थी, पब्लिक ने भी अपना माल बढ़ाकर 43% पर किया है। यानी कि इसमें FIIs एंड पब्लिक अपना माल बढ़ा रहे हैं और DIIs एंड प्रमोटर्स अपना माल कम कर रहे हैं, काफी मिक्स्ड पोर्टफोलियो है। बाकी इस स्टॉक के अगर फोरेंसिक एनालिसिस करें दोस्तों तो रिटर्न ऑन इक्विटी इसका काफी बेहतरीन है पिछले 10 सालों में, कैपेक्स वर्सेस आरओसीई में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वर्किंग कैपिटल इसका बहुत ही अच्छा है, कंपनी ने कोई भी शेयर प्लेज नहीं किया है, रिटेल होल्डिंग भी ठीक है, कंपनी के ऊपर कोई खास डेप्ट भी नहीं है और पिछले अगर 90 दिन की बात करें तो पिछले 90 दिनों में प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग कम नहीं करी है। मास्टेक के अगर रेवेन्यू की बात करें तो इसका जो प्रोडक्ट है वो डिजिटल एंड एप्लीकेशन इंजीनियरिंग में 43%, क्लाउड में 29%, डिजिटल कॉमर्स 18%, डेटा ऑटोमेशन एंड एआई में 9.5% का प्रोडक्ट है। लोकेशन वाइज अगर बात करें तो यूके एंड यूरोप से 55.9% का बिजनेस आता है, यूएसए से 30% का बिजनेस आता है, मिडिल ईस्ट से 10.8% एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 4.3% का बिजनेस आता है।
इसके वर्टिकल्स की बात करें दोस्तों तो गवर्नमेंट सेक्टर से 43%, हेल्थ सेक्टर से 17.9%, मैन्युफैक्चरिंग एंड टेक्नोलॉजी से 15.3% एंड रिटेल सर्विसेज से 12% एंड फाइनेंशियल सर्विसेज से 11.8% का बिजनेस आता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो इसका जो प्रॉफिट है वो यूके एंड यूरोप से 63% का आता है, यानी कि सबसे ज्यादा प्रॉफिट इसका यूके एंड यूरोप से आता है। यूएसए से 27% का प्रॉफिट आता है, मिडिल ईस्ट से 2.7% का, यानी कि देखा जाए तो जो कंपनी का सबसे ज्यादा प्रॉफिट है वो एक्सपोर्ट से ही आता है। बाकी हम वापस इसके चार्ट पर आते हैं दोस्तों, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि पिछले 20 सालों में इस कंपनी ने कुछ भी खास रिटर्न नहीं दिया है, लेकिन कोविड 19 के बाद इस स्टॉक में तेजी देखी गई और जब कंपनी ने इस लेवल का ब्रेकआउट दिया 640 के आसपास का, उसके बाद से ये कंपनी कभी रुका नहीं और ये लगातार हायर हाइज बनाता हुआ ऊपर चलता गया। फिर वहां से एक एम पैटर्न बनाकर ये नीचे आया और काफी दिनों तक एक रेंज में कंसोलिडेट करता रहा। फिर एक दिन इसमें काफी बड़ी इन्वेस्टिंग आई और उसी दिन इस कंपनी ने लो लगाया और वहां से फिर ये चलते चलते वापस से अपने लाइफ टाइम हाई के करीब पहुंच रहा है। तो इस पॉइंट पे यहां पर कोई फ्रेश इन्वेस्टिंग करना ठीक नहीं है। हां, ट्रेडिंग के लिए अगर आप चुन रहे हैं 2-4-10 दिन के लिए तो अभी भी यहां पे मौका है कि 3000 से 3400 तक ये जा सकता है, यहां पर अभी भी मौका है। लेकिन अगर आप इन्वेस्टिंग के लिए सोच रहे हैं तो अभी कुछ दिन और रुकिए, इस लेवल का यहां सस्टेन करने दीजिए, थोड़े दिन कंसोलिडेट करने दीजिए, उसके बाद अगर यहां से ब्रेकआउट देता है और वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट देता है फिर आप यहां पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और यहां का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। बाकी कोई भी फैसला आपका अंतिम फैसला होगा, सोच समझ कर इन्वेस्टिंग करिएगा।